चलिए आज हम बनाते हैं चावल के फरे। तो सबसे पहले आपको लेना है लहसुन, मिर्ची, जीरा, धनिया, एक कटोरी भीगा हुआ चना जिसको रात में ही मैंने भिगो के जो है रख दिया था। अब सबसे पहले इन मसालों को जो है पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें आपको भिगा हुआ चना मिलाना है और उसके साथ थोड़ा सा एक चम्मच जो है गरम मसाला और थोड़ी सी हींग, जितना आप खाना चाहते हैं उतना हींग, अगर थोड़ा सा तेज़ भी रहेगा तो अच्छा लगता है वो। इन सब को मिक्स कर लेना है, पीस लेना है। पीसने के बाद एक कटोरी में जो है निकाल लीजिए। उसके बाद हम गरम पानी थोड़ा सा करेंगे या फिर गुनगुना पानी करेंगे और उससे एक नरम जो है चावल के आटा लगा के और रख लेंगे। और उसके बाद फिर आप जिस डिज़ाइन का चाहते हैं उस डिज़ाइन का उसको है भर के और बना सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में बनाया वैसे भी आप बना सकते हैं। और फिर उसे एक पतीला जो है गैस पे चढ़ाएंगे जिसमें जो है गरम पानी थोड़ा सा करना है, जिससे हमें भाप लगे और भाप लगने से वो जो चावल के फरे हैं वो पक जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पे रख देना है भगोने पे, भगोने से भाप लगेगा और वो पक जाएगा और फिर ये रेडी है।